माघ मास की पूर्णिमा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि माघ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है। साथ ही इसके साथ यह भी बताऊंगा कि माघ पूर्णिमा पर कौन सा दान करें जिससे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सके, साथ ही महा उपाय भी बताऊंगा। आज माघ पूर्णिमा है और आपसे जानना चाहेंगे कि माघ पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और आज के दिन को कैसे फलदायी बनाया जा सकता है। जी, माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक शास्त्रों में यह अत्यंत सुअवसर बताया गया और कहा गया कि इस दिन स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी मनुष्य रूप में भेष बदल कर आते हैं और संगम पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि त्रिवेणी पर पूर्णिमा के दिन स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। आज के दिन अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो बाल्टी लें, पानी डालें और उसमें 10-20 बूंद गंगा जल अवश्य डालें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आज गंगा स्नान करेंगे या किसी न किसी देव नदी से स्नान करेंगे। तत्पश्चात भगवान भास्कर को रोली, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प के साथ अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का पाठ करिए। इसके साथ ही आज के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का यदि आप 11 पाठ कर सकें तो निश्चित जानिए कठिन से कठिन पाप भी आपका समाप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज ही के दिन काले तिल और अक्षत से अपने पितरों का तर्पण अवश्य करिए और तत्पश्चात हवन करिए, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ग्रह के दोष के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या के समापन के लिए नवग्रह की पूजा, हवन एवं दान करने से पूरा वर्ष कल्याणकारी और लाभकारी होता है। जी, माघ पूर्णिमा पर जितना महत्व स्नान का माना जाता है उतना ही महत्व दान का भी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज क्या दान करना चाहिए और आज किए गए दान से आखिर क्या लाभ होता है। माघ मास के पूर्णिमा के दिन दान का बहुत महत्व है, यहां तक कहा गया है कि आज का दान आपका प्रारब्ध तक बदल सकता है। पूर्णिमा के दिन देव नदी में सबसे पहले स्नान करिए और काला तिल, काला कंबल, काली उड़द, काले वस्त्र का दान करिए। आज के दिन साधु संतों की सेवा जरूर करिए। जरूरतमंद हो, गरीब व्यक्ति हो, रोगी हो तो उसे दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताएं, आज के दिन अपने पितरों का माने आप अपने पूर्वजों का यशगान जरूर करिए और उनका यशगान करते हुए दान एवं दक्षिणा अवश्य प्रदान करिए, इससे उनका आशीर्वाद मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व तो बताया, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि माघ पूर्णिमा का महा उपाय क्या है। माघ पूर्णिमा का महा उपाय, आज हम लोगों ने माघ पूर्णिमा पर चर्चा किया है, इसलिए गंगा स्नान के समय किए जाने वाले अमोघ मंत्र को आज मैं दर्शकों आपको बताता हूँ। इससे सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सफलता एवं आनंद की प्राप्ति होती है। आप नोट करिए, ओम नमो गंगाए विश्वरूपणी नारायणी नमो नमः। अत्यंत यह सहज दिखने वाला मंत्र परम कल्याणकारी है। इस मंत्र का 21 बार आप जप अवश्य करें, निश्चित आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे।
महा उपाय, उस अचूक मंत्र की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, क्या है आज का महा उपाय? आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा में पितरों का विशेष महत्व होता है, इसलिए दर्शकों नोट करिए, ओम देवताभ्यो पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए और आज के दिन को परम कल्याणकारी बनाइए। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।